अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे की किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है, और मैं जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया? हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें, और कॉल भी दिया तो पता है क्या करना है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे ठाणे इलाके के ग्राउंड प्लस एक निर्माणाधीन इमारत में लगे सलियों पर 19 साल का जयराम सरदार नामक युवक के गिरने से ये युवक बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया है। ये घटना ठाणे इलाके के बिल्डिंग नंबर 58 भीम नगर वर्तक नगर की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक निर्माणाधीन इमारत के किनारे निर्माण के लिए लगाए गए लोहे के सलिए पर गिरने से इस व्यक्ति को एक सलिया कमर के नीचे के हिस्से से आर पार हो गया है और ये गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस मामले में वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी के साथ आपदा प्रबंधन की टीम घायल युवक को नज़दीकी अस्पताल आगे के इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना स्थल पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक घायल व्यक्ति घटना स्थल के किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करता था। घटना स्थल पर इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे सलियों पर गिरे 19 साल के युवक के दोनों पैरों से आर पार हो गया है ये सलिया, और इलाज के लिए इसे अस्पताल में भर्ती कराने से पहले वहां मौजूद कर्मचारियों ने इस लोहे के सरियों के ग्राइंडर मशीन के मदद से पहले सरियों को काटा गया। इसके बाद इस युवक को आगे के इलाज के लिए कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।